नमस्कार, मैं रोहन मुरकर फिर से आपका स्वागत करता हूँ ओए देखो प्रेजेंट्स व्हाट अ गूगली में, पावर्ड बाय एप्पल बॉक्स मीडिया एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग पार्टनर डीविविड एंड गिफ्टिंग पार्टनर विवा कंसेप्ट। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट टू रीच 200 ये कहानी है चाइनामैन गेंदबाजों की। लेफ्ट आर्म स्पिनर को चाइनामैन क्यों कहा जाता है? क्या उनका जन्म चाइना में हुआ था? जी नहीं। बात है 1933 की। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था और इलिस एकॉन के एक गुगली पे वॉल्टर रॉबिन्स स्टंप्ड आउट हो गया। इलिस एकॉन चाइनीज वंश के सबसे पहले क्रिकेटर थे और कहा जाता है कि वॉल्टर रॉबिन्स जब भी पवेलियन लौट रहे थे तब बोले अ फैंसी बीइंग डन बाय चाइना मैन। तब से लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को चाइना मैन का नाम मिला। तब से आज तक वर्ल्ड क्लास चाइना मैन बॉलर बने। वेस्ट इंडीज के गारफील्ड सोबर्स, इंग्लैंड के जॉनी वॉर्डन, साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स और ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हॉक। पर 100 साल के इतिहास में भारत में एक भी चाइना मैन बॉलर नहीं बना। पर 25 मार्च 2017 को एक युवा लड़के ने डेब्यू किया और भारत को अपना सबसे पहला चाइना मैन बॉलर मिला। नाम था कुलदीप यादव। मेरी अगली कहानी है उस कप्तान की जिन्होंने 1915 में क्रिकेट खेलना शुरू किया और लगातार 40 से 45 साल तक क्रिकेट खेलते रहे और सबको मनोरंजित करते रहे। बड़े स्टाइलिश और मशहूर खिलाड़ी थे सी के नायडू। जब भारत को 1932 में टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस मिला तब कर्नल सी के नायडू बने भारत के सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान। उनका गेम भी बड़ा अटैकिंग था। जब वो बल्लेबाजी करने आते थे तो दर्शक बाहर से चिल्लाते थे सी के सिक्सर, और वो भी बड़े आराम से सिक्सर मार दिया करते थे। सन 1926 में एमसीसी के एक टीम ने भारत का दौरा किया। उस दौरे में कुल 26 फर्स्ट क्लास मैचेस थे और एक मैच बॉम्बे जिमखाना में द हिंदूज के खिलाफ था। उस मैच में सी के नायडू ने सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया और उन्होंने कुल 11 सिक्सर्स मारे और सबके लिए वो मैच यादगार बना दिया। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की। 1947 से पहले देश भी एक हुआ करता था और टीम भी एक हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के बाद देश के भी दो टुकड़े हुए और टीम के भी दो टुकड़े हुए। स्वतंत्र भारत का पहला विदेशी सामना अक्टूबर 1947 में खेला गया जब लाला अंबरनाथ के नेतृत्व में टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई और उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे थे उनको ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया के लिए खेलेंगे या पाकिस्तान के लिए। जुल्फिकार अली भुट्टो कारदार के बहुत बड़े फैन थे। जब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने उन्होंने कारदार को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। जवाब में कारदार ने कहा जो प्यार मुझे भारत में मिल रहा है वो मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, और उन्होंने भारत से खेलना तय किया। पर वो 1952 में फिर पाकिस्तान लौटे और पाकिस्तान क्रिकेट के पहले कप्तान बने। ये कहानी है यंग विकेटकीपर बल्लेबाज की जिन्होंने बीच में ही क्रिकेट छोड़ा और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने लगे। आर्किटेक्चर की पढ़ाई खत्म की और आर्किटेक्चर फर्म में भी काम किया और वापस लौटे एक फास्ट गेंदबाज के रूप में। और शुरुआत के दिनों में घुटने की चोट के वजह से परेशान हुए और फिर से क्रिकेटिंग दुनिया से बाहर हो गए, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं। इस बार वो लौटे स्पिन गेंदबाज के रूप में। 18 दिसंबर 2018 को किंग्स इलेवन पंजाब ने उन पर 8,40,00,000 रुपए की बोली लगाई और अपने टीम में शामिल कर लिया और वो बन गए भारत के सबसे महंगे अनकैप प्लेयर और उनका नाम था वरुण चक्रवर्ती। ऐसी अनसुनी कहानियां लेके लौटूंगा मैं अगले हफ्ते। टिल देन दिस इज रोहन मुकर साइनिंग ऑफ।
सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। और ऐसी अनसुनी कहानियां आपके पास भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको अपने शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा।